friends, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now, today we learn about Standard 2 English Grammar Chapter Number 14 WH Questions. यानी कि हम question किसी को करते हैं तो वो कहाँ से start होता है? WH से. तो यहाँ पे क्या लिखा है? We can ask a question using the words who, what, where, when, why, and how. तो हम अगर किसी को क्वेश्चन कर सकते हैं तो कैसे वर्ड से करते हैं, जैसे कि वो यानी कि तुम कौन हो, व्हाट यानी कि ये क्या है, वेयर यानी कि ये कहाँ है, व्हेन यानी कि ये कब होगा, देन व्हाई यानी कि क्यों, एंड हाउ यानी कि कैसे. तो हम ये सारे क्वेश्चन करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, WH से स्टार्ट होता है. जैसे कि क्या लिखा है, रीड व्हाट पीटर हैज टू से अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसमें पीटर के अकॉर्डिंग है तो वो हम यहाँ पे उसके बारे में पीटर हमें बताता है. देन राइट अबाउट योरसेल्फ इन द गिवन ब्लैंक, यानी कि हम यहाँ पे जो ब्लैंक दिए है उसमें आपको अपने बारे में लिखना है. तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, WH. तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है, तो यहाँ पे पीटर कहता है माई नेम इज पीटर, यानी कि मेरा नाम पीटर है. तो जैसे नीचे जो हमें ब्लैंक दिए उसमें आपको अपने बारे में लिखना है कि आपका जो भी नाम हो वो यहाँ पे लिखना है. जैसे कि मैंने लिखा है माई नेम इज रिया, यानी कि मेरा नाम रिया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें, हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आप यानी कि तुम कितने एज के हो. तो यहाँ पे पीटर है वो कहता है आई एम 6 ईयर ओल्ड, यानी कि मैं 6 साल का हूँ, वो यहाँ पे हमें पीटर उसके बारे में बताता है. देन आप कितने साल के हो वो यहाँ पे लिखना है. जैसे कि मैंने लिखा है आई एम 7 ईयर ओल्ड, यानी कि मैं 7 साल की हूँ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, व्हाट इज योर फादर्स नेम, यहाँ पे भी क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, WH से. तो क्या कहा है हमें, WH यानी कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके फादर का नाम क्या है. तो यहाँ पे पीटर कहता है माई फादर्स नेम इज मिस्टर वर्मा. तो जो पीटर है वो कहता है मेरे फादर का नाम है मिस्टर वर्मा. जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने बारे में लिखा है माई फादर्स नेम इज मिस्टर पटेल, तो आपके फादर का नाम जो भी है वो आपको लिखना है. मैंने तो यहाँ पे ओनली सरनेम लिखी है पटेल, तो यहाँ पे आपके फादर का नाम जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मदर नेम, तो यहाँ पे आपकी मम्मा का नाम क्या है. तो यहाँ पे जो पीटर है वो पहले कहता है माई मदर्स नेम इज मिस्टर मिसिस वर्मा. तो यहाँ पे जो पीटर है वो कहता है मेरी मम्मा का नाम मिसिस वर्मा है. तो आपकी मम्मा का नाम जो भी हो वो यहाँ पे लिखना है. देन उसके आगे क्या लगाना है, मिसिस लगाना है. माई मदर्स नेम इज मिसिस पटेल, मैंने यहाँ पे ओनली सरनेम लिखा है पर आपकी मम्मा का नाम जो भी हो वो यहाँ पे लिखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी कि क्या आपकी कोई एक बहन या फिर सिस्टर है. तो यहाँ पे जो पीटर है वो कहता है येस आई डू आई हैव वन सिस्टर, यानी कि येस मेरी एक बहन है. तो आपके भाई या फिर बहन हो वो यहाँ पे लिखना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे बारे में लिखा है येस आई डू आई हैव वन ब्रदर, यानी येस मेरे पास एक मेरा भाई है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है. तो यहाँ पे पीटर है वो कहता है रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो जो पीटर है वो कहता है रमेश है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. देन आपका बेस्ट फ्रेंड जो भी हो वो उसके नीचे हमें जो लाइन दी है उसमें लिखना है. जैसे कि मैंने लिखा है निकिता इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि निकिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है. तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो WH से स्टार्ट हुए थे, व्हाट यानी कि क्या, हाउ यानी कि कैसे, यानी कि हाउ यानी कि क्यों, देन व्हाट यानी कि क्या हमने देखा, वेयर यानी कि कहाँ पे, व्हेन यानी कि कब, व्हाई और क्यों. तो ये जो हमने सारे क्वेश्चन देखे वो WH से स्टार्ट होते थे. तो यहाँ पे हमने क्या किया एक्सरसाइज में कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो सबसे पहले हमें पीटर ने अपने बारे में बताया, देन उसके नीचे जो ब्लैंक दी है उसमें आपको आपके बारे में यहाँ पे लिखना है.
तो हमें हमें चैप्टर नंबर 14 में क्या देखा, WH से क्वेश्चन कैसे होते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि वो यानी कि कौन, व्हाट यानी कि क्या, वेयर यानी कि कहाँ, व्हेन यानी कि कब, व्हाई यानी कि क्यों, एंड हाउ यानी कि कैसे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे WH से सारे क्वेश्चन देखे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आपके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।